नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस भूकंप के तेज झटके दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नेपाल में इतना विनाशकारी भूकंप आया हो। नेपाल अभी तक साल 2015 में आए भूकंप को भुला नहीं सका है। साल 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था वो इतना विनाशकारी था कि उसमें 8,000 लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप के आने के बाद नेपाल को अर्थव्यवस्था में 6 अरब डॉलर का झटका लगा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार नेपाल में ही इतना विनाशकारी भूकंप क्यों आता है। दरअसल नेपाल में सिर्फ 17% इलाका ही प्लेन है, बाकी के इलाके में या तो पहाड़ हैं या फिर जंगल। प्लेन इलाके को तराई के तौर पर जाना जाता है। वहीं ऊपर से इसके उत्तरी छोर पर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। साथ ही पृथ्वी की परत यानी क्रस्ट बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। इस भूभाग में ही धरती के सभी महाद्वीप शामिल हैं। इन टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होती रहती है और ये हिलती और एक दूसरे से टकराती रहती हैं। अब ऐसी ही दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर नेपाल मौजूद है। गौरतलब है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच नेपाल की लोकेशन है, और जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होती है तो नेपाल में भूकंप के झटके आते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से दोनों प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बार बार नेपाल में भूकंप आता है। भले ही ये रफ्तार आपको कम लग रही हो, लेकिन इसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। नेपाल की सबसे बड़ी परेशानी उसके वहाँ बनी कमजोर इमारतें हैं, जो भूकंप के तेज झटकों को संभालने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि जब भी भूकंप आता है तो नेपाल में सबसे ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और नेपाल में अत्यधिक नुकसान होता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ।